இந்து சதவந்தியாடும் திவ்வணஹிது மதுர விசதவாக்காடும் அந்தா தீது குணாடும் நமுஜனானும் ஜிதுபவாடும். गाथा नंबर 102 उत्थानिका कालस्य द्रव्यास्तिकायत्व विधि प्रतिषेध विधानम एतत्। जो काल द्रव्यास्तिकाय है उसकी विधि और प्रतिषेध का यहाँ विधान करते हैं कि काल के लिए द्रव्य और अस्तिकाय में, द्रव्य तो विधि रूप है और अस्थिकाय में निषेध है, यानी काल द्रव्य तो है लेकिन अस्थिकाय नहीं है, इस तरह का ये विधि और प्रतिषेध का यहाँ पर कथन आ रहा है। 102 नंबर का था, 227 पेज। ए दे काला गास धम्मा धम्माय पुग्गला जीवा लभन्ति दव्वसन्नम् कालस्य दुणत्थिकायत्तम्। ये एदे माने ये जो पहले इनका कथन किया गया है, ये काल और आगास, धम्म और अधर्म, पुग्गला और जीवा, ऐसे ये छह चीज़ें हो जाती हैं। काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, यही छह द्रव्य कहलाते हैं। तो ये दब्ब संडम लभंती, यानी ये द्रव्य संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इन छहों को हम द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य कहते हैं। कालस्य दु नत्थि कायत्तम, इनमें बस काल की ये विशेषता है कि काल के पास कायपना नहीं होता है, काल की काया नहीं है। कायत्व यानी उसका एक से अधिक प्रदेशों से युक्त जो उपचय होता है, बहुत प्रदेशों वाला जो कायत्व होता है वो उसके पास नहीं है, क्योंकि काल एक अणु के रूप में हमेशा रहता है। तो इस तरह से यहाँ द्रव्य तो कहा गया, काय नहीं है, इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं कहा जाता, इसको कथन को यहाँ कहा गया। यथा खदलु जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाशानी सकल द्रव्य लक्षण सद्भावत्वाद् सद्भावात् द्रव्य व्यपदेश भांजी भवन्ति तथा कालोपि। जैसे जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश हैं, ये सकल द्रव्य के लक्षणों का सद्भाव इनमें पाया जाता है, यानी इन सभी द्रव्यों में जो द्रव्य के लक्षण हैं वो सब पाए जाते हैं। किन में? जीव में भी, जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी है, अधर्म भी है और आकाश भी है। तो ये सब द्रव्य व्यपदेश भांजी भवंती, यानी ये सब द्रव्य व्यपदेश से कहे गए हैं, यानी इन सबको क्या कहा गया है? द्रव्य कहा गया है। तथा कालोपी, उसी प्रकार से काल भी द्रव्य है, यानी जिस तरह से जीवादि पाँच द्रव्य हैं उसी तरह से काल भी द्रव्य है। इति एवं षड द्रव्याणी, इस प्रकार से छह द्रव्य हो जाते हैं। किंतु यथा जीव पुद्गल धर्माधर्माकाशानां द्व्यादि प्रदेश लक्षणत्वम् अस्ति अस्थिकायत्वम्। किंतु विशेषता क्या है कि जैसे जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म हैं, अधर्म हैं और आकाश हैं, इन सभी द्रव्यों में दो आदि प्रदेश लक्षण वाला भाव रहता है, इसलिए इनमें अस्थि कायत्वम, इसको मिला के नहीं, अलग अलग लिखना चाहिए, है ना, इसलिए इनमें कायपना लक्षणत्वम अस्थि अस्थि कायत्वम।
दो बार अस्थि भी बन सकता है। इनमें दो आदि प्रदेशों का लक्षण पाया जाता है, इसलिए ये अस्थि काय को प्राप्त है, ऐसा भी बन सकता है। न तथा लोकाकाश प्रदेश असंख्या नाम अपि कालाणूनाम एक प्रदेशत्वाद अस्थि कायत्व। तो जैसे जीव पुद्गलों में दो आदि प्रदेश होते हैं, ऐसे कालाणु जो होते हैं उनमें नहीं होते, ये एक प्रदेश वाले होते हैं, लेकिन इनकी संख्या लोकाकाश के बराबर होती है। जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने ही काल द्रव्य के ये असंख्यात प्रदेश कहलाते हैं, और हर एक प्रदेश एक एक द्रव्य के रूप में होता है, यानी हर एक अणु जो है वो अपना एक एक द्रव्य है। तो जैसे रत्नों की राशि के समान रत्न बहुत सारे रखे हुए हों, प्रत्येक रत्न एक दूसरे के पास तो रहता है लेकिन एक दूसरे में मिल नहीं जाता, उसी तरह से इस लोकाकाश के अंदर जो भी कालाणु होते हैं वह एक के पास एक सटे हुए तो रहते हैं लेकिन वो सब अलग अलग द्रव्य के रूप में होते हैं, इसलिए उनमें अस्थि काय इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनमें कायपना नहीं बनता एक प्रदेश वाला होने के कारण। अतएव च पंचास्थि काय प्रकरणे क्या लगा है? नहीं है मुख्यत्वेन उपन्यस्त कालः, नहीं इह मुख्यत्वेन उपन्यस्त कालः, इसलिए इस पंचास्थि काय के प्रकरण में मुख्य रूप से काल को नहीं रखा गया है, ये कहने का मतलब नहीं इह। हाँ उस संधि ऐसी तो है, थोड़ा बीच में डिफरेंस भी ज्यादा है ना, हा की और ई की मात्रा। जीव पुद्गल परिमाण अवच्छिद्यमान पर्यायत्वेन तत्परिणाम अन्यथा अनुपत्या अनुमीयमान द्रव्यत्वेन अत्रैव अंतर्भावित। जीव और पुद्गल के परिणामों से अवच्छिद्यमान पर्याय वाला होने से और उस परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति होने से इसका भी अनुमान द्रव्य के रूप में किया जाता है और यह इसी में अंतर्भाव इसका हो जाता है। यानी काल को मुख्य रूप से यहाँ पर नहीं रखा गया पंचास्थि काय के प्रकरण में, किंतु काल को किस तरह से रखा गया, तो ये जीव और पुद्गल का जो परिणाम है वह अन्यथा बन नहीं सकता, तो इस अनुमान को लगा करके एक द्रव्य का अनुमान किया जाता है कि एक द्रव्य ऐसा जरूर होगा जिसके कारण से जीव और पुद्गलों का यह परिणमन गिनने में भी आता है और होने में भी आता है। तो उसी अनुमीयमान द्रव्य को यहाँ पर काल द्रव्य के रूप में अंतर्भाव कर लिया है। तो इस तरह से काल की अपनी पृथक व्यवस्था न बनाते हुए पंचास्थि काय में काल को उसके साथ में छह द्रव्यों के साथ में अलग से कहा गया है गौड़ रूप में। मुख्य रूप से तो छह द्रव्यों की जब व्यवस्था आती है तो उसमें इनका कथन आता है, किंतु पंचास्थि काय में काल द्रव्य का व्याख्यान मुख्य रूप से नहीं है, है ना। इन पांच द्रव्यों का व्याख्यान अस्थि काय होने के कारण से मुख्य रूप से है, ये यहाँ तात्पर्य। अत कालस्य द्रव्य संज्ञा विधानम कायत्व निषेधम च प्रतिपादयति। इस तरह से काल द्रव्य का व्याख्यान यहाँ अमृतचंद जी की टीका में समाप्त हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि काल द्रव्य की संज्ञा विधान कायपने का निषेध ये कहते हैं। एते प्रत्यक्षीभूता कालाकाश धर्माधर्म पुद्गल जीवा कर्तारः लभन्ते, ये सभी कर्ता बनाए जाते हैं। काल आकाश धर्म धर्म पुद्गल जीव ये सभी कर्ता रूप में हो जाते हैं। किसके कर्ता? द्रव्य संज्ञाम माने द्रव्य संज्ञा के ये सभी कर्ता हैं, माने सभी द्रव्य संज्ञा को प्राप्त कर लिए हैं। कस्मादिति चेत सत्ता लक्षणम
उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय लक्षणम च इति द्रव्य पीठ का कथित क्रमेण द्रव्य लक्षण त्रय योगा। ये सभी द्रव्य क्यों हैं? क्योंकि इसमें द्रव्यों के तीनों लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा जो पहले द्रव्य पीठ का बनाई थी उसमें ये कथन करके आए हैं। तो द्रव्य के तीन लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है सत्ता लक्षण, यानी द्रव्य की सत्ता होती है, सत लक्षण वाला द्रव्य होता है, सत होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसको सत्ता कहते हैं। यह प्रत्येक द्रव्य का अपना एक स्वतंत्र लक्षण है। दूसरा लक्षण उसका होता है उत्पाद व्यय द्रव्य, यानी जो सत रूप पदार्थ होगा वह नियम से उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण वाला होगा। उसकी सत्ता तभी रहती है जब उसमें से कुछ निकल भी रहा हो, कुछ उसमें से विनष्ट भी हो रहा हो, और वह पदार्थ ज्यों का त्यों अपने अस्तित्व को बनाए भी रखता हो। इसी को उत्पाद व्यय द्रव्य के रूप में कहा जाता है। और तीसरा लक्षण उसी द्रव्य का कहलाता है गुण पर्याय वाला होना, यानी द्रव्य में अनेक गुण होते हैं और उन गुणों की अलग अलग जो परिणतियाँ होती हैं उन्हीं को पर्याय कहते हैं। तो इस तरह से द्रव्य के तीन लक्षण होते हैं, इसको द्रव्य पीठिका में प्रारंभ में बताया जा चुका है ना। तो ऐसे इन तीनों लक्षणों के योग वाला होने से यह द्रव्य है। कालस्य च नास्ति कायत्वम, काल में कायपना नहीं होता है। कैसे? विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध जीवास्तिकाय प्रवृत्ति पंचास्तिकायानाम बहु प्रदेश प्रचयत्व लक्षणम कायत्वम यथा विद्यते न तथा कालाढूनाम। काल में कायपना क्यों नहीं है? तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि जैसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले शुद्ध जीवास्तिकाय है, उसी को आदि करके पुद्गल धर्म अधर्म आदि पंचस्तिकाय हैं, ये सभी बहुत प्रदेशों के समूह वाले होते हैं, है ना। जीव में भी बहुत प्रदेश हैं, जीव असंख्यात प्रदेश वाला होता है। तो बहु प्रदेशों का समूह इन सभी अस्तिकायों में पाया जाता है। वैसा समूह को ही जो है काय कहा जाता है, और उस तरह का कायपना कालाणु में नहीं होता है। कहा भी है लोगागास प्रदेश एक एक के जेठिया हो एक एक का रेणाणम राशि में ते कालाणु असंकद वाणी। ये गाथा है द्रव्य संग्रह में, ये गाथा निबद्ध है। इसीलिए तो कह रहे हैं द्रव्य संग्रह में ये गाथा निबद्ध है। मतलब ये गाथाएं जरूरी नहीं कि द्रव्य संग्रहकार के द्वारा रची हुई हैं। द्रव्य संग्रह एक संकलित ग्रंथ कहा जाता है ना। ये जो अलग अलग प्रसंगों की जो मुख्य गाथाएं होती हैं उनको ज्यों का त्यों रख करके भी और कुछ थोड़ा नया बना करके भी ऐसे एक संग्रह बनाया जाता है जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। तो इसलिए इस तरह की गाथाएं ये पहले से ही प्रचलन में हुआ करती हैं। लोकाकाश के प्रदेश पर एक 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 प्रदेश पर एक एक स्थित हैं। क्या स्थित हैं? रेतनों की राशि के समान वह कालाणु स्थित हैं। कितने हैं वो? असंख्य दब्बाणी। ऐसे ये असंख्यात द्रव्य होते हैं। इति गाथा कथित क्रमेण लोकाकाश प्रमित असंख्य द्रव्याणाम अपि इति। इस गाथा के क्रम से कालाणु के भी लोकाकाश प्रमाण असंख्या द्रव्य वे होते हैं ये सिद्ध हो जाता है। अत्र केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण सिद्धत्व
अगुरु लघुत्व आदि शुद्ध पर्याय सहित शुद्ध जीव द्रव्यात अन्य द्रव्याणि हे जानी इति भाव। अब ये तात्पर्य बताया जा रहा है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों से सिद्ध बना होना, अगुर लघुत्वादि शुद्ध पर्यायों से सहित होना और शुद्ध जीव द्रव्य होना, यही हमारे लिए उपादेय है ना। यानी द्रव्य गुण पर्यायों में शुद्ध जीव द्रव्य हमारे लिए उपादेय है, उस शुद्ध जीव के शुद्ध गुण हमारे लिए उपादेय हैं। वो शुद्ध गुण क्या होते हैं? तो ये केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुण कहलाते हैं, है ना। जीव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना ही उसे शुद्ध गुणों की प्राप्ति कहलाती है। और शुद्ध पर्याय क्या है? तो ये सिद्धत्व पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय कहलाएगी। जीव की शुद्ध पर्याय कौन सी है? सिद्धत्व पर्याय, सिद्ध हो जाना, है ना। और जो चार गति संबंधी सब पर्याय हैं, ये सब जीव की अशुद्ध पर्याय हैं, क्योंकि ये सब कर्म जनित हैं और ये सभी अशुद्ध पर्याय होती हैं। तो सिद्ध पर्याय शुद्ध जीव की इस तरह से पर्याय को उत्पन्न कर लेना, अगुर लघुत्वादि पर्याय उत्पन्न हो जाना, माने अगुर लघुत्व गुण की पर्याय प्रकट हो जाना, ये भी उसकी शुद्ध पर्याय कहलाएगी, अगुर लघुपना आ जाना। तो ये जो जीव के अंदर शुद्ध गुण आ गए, शुद्ध पर्याय हो गई और ऐसा शुद्ध जीव द्रव्य है, इसी को बस हमें उपादेय करना चाहिए। बाकी जो ये द्रव्य आदि हैं, ये सब हमारे लिए हेय हैं, है ना। हे का मतलब सिर्फ जो है ये हमारे लिए जानने योग्य हैं, इनसे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। जानने योग्य हैं सिर्फ ये, किंतु ये हमारे लिए कोई उपयोगी हो, कोई बहुत प्रयोजनी भूत हों, इतना नहीं है। बस इनका प्रयोजन यदि है तो इतने से ही है कि जैसा कहा जा रहा है उसको वैसा ही मान लेना, उसको वैसा ही श्रद्धान में ले आना। तो जैसा कहा जा रहा है वैसा आपने अगर श्रद्धान कर लिया तो ये आपके सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं, क्योंकि छह द्रव्यों पर विश्वास करने से भी सम्यक दर्शन होता है ऐसा कहा गया है। तो ये आपकी सम्यक तो पर्याय की उत्पत्ति में कारण बन सकते हैं, इनका जानना, इनका विश्वास होना। बाकी आपको अपने शुद्ध जीवास्तिकाई की प्राप्ति करनी है, अपने केवल ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए इन द्रव्यों का कोई आपके ऊपर कोई विशेष उपयोग और कुछ उपकार नहीं है। शुद्ध जीव द्रव्य की प्राप्ति करने के लिए ये कोई हमारे लिए उपादेय नहीं है। तो उपादेय क्या है? जो अपना शुद्ध जीवास्तिकाय है बस वही उपादेय है, बाकी सब द्रव्य अपने लिए हेय है। हाँ, जानने योग्य हो गए तो ज्ञेय हो गए, उन्हीं ज्ञेय के कारण से ये हेय भी कहलाते हैं। अब ज्ञान गुण का शुद्ध रूप में परिणमन हो जाना वही केवल ज्ञान कहलाता है। तो केवल ज्ञान शुद्ध गुण भी कहलाएगा और उस केवल ज्ञान की जो परिणति हम देखेंगे तो वो शुद्ध पर्याय भी कहलाएगी, केवल ज्ञान की पर्याय। तो वह वस्तुतः गुण का शुद्ध रूप में हो जाना मतलब केवल ज्ञान हो जाना, वो सिर्फ विवक्षा है, दृष्टिभेद है। तो इस तरह से शुद्ध जीव द्रव्य से अन्य जो भी द्रव्य हैं वो हमारे लिए उपादेय का मतलब होता है निकटता से ग्रहण करने योग्य। उपादेय माने निकटता से ग्रहण करने योग्य, जिन्हें हम निकटता से ग्रहण कर सकें, यानी जिनको हम आत्मसात करें वो कहलाते हैं
उपादेय, और जिन्हें हम आत्मसात न कर सकें, जो हमारे अंतरंग में निकटता से ग्रहण करने में नहीं आए, उन्हें कहते हैं हेय, है ना। तो हेय का मतलब जिन्हें निकटता से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे हम अपने जीव द्रव्य के परिणमन को निकटता से प्राप्त कर सकते हैं, निकटता से ग्रहण कर सकते हैं, वैसे इस द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्यों को हम निकटता से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इससे यह भी तात्पर्य निकालना कि जैसे पुद्गल द्रव्य को हे कहा गया, क्योंकि पुद्गल द्रव्य भी आत्मा में रह कर के भी आत्मा से अति निकट नहीं हो सकता, है ना, वो भी आत्मा के लिए उपादेय नहीं हो सकता पुद्गल द्रव्य भी, क्योंकि वो आत्मा में निकटता से नहीं रह सकता है। वो भी कितना ही उसके प्रदेशों में प्रदेश उसके भिद जाएं, तो भी वह जीव द्रव्य के लिए वह हे ही है, क्योंकि वह उसका स्वरूप नहीं है। तो जिस तरह से कर्म पुद्गल हों, धर्म अधर्म आदि द्रव्य हों, ये सब जीव के निकट रहते हैं, जीव के प्रदेशों पर ही स्थित रहते हैं, तो भी ये जीव में नहीं घुसते हैं, जीव के स्वरूप को नहीं बदलते हैं, इसलिए जीव के लिए ये उपादेय नहीं है। उपादेय का मतलब क्या कि जीव इन्हें अपने स्वरूप से कभी ग्रहण नहीं कर सकता, ये उपादेय का मतलब समझना चाहिए। जिन चीज़ों को जीव अपने स्वरूप से मिला नहीं सकता उसे कहते हैं हेय, और जिनको अपने स्वरूप के रूप में प्राप्त कर ले उसे कहते हैं उपादेय, है ना। तो उपादेय का मतलब ये होता है, तो जो उपादेय नहीं है वो हेय हैं। हे का मतलब छोड़ने योग्य हैं, ऐसा नहीं है, त्यागने योग्य हैं, ये जो है ऐसा लगता है ये सब गलत परिभाषाएं हैं। हाँ, हे का मतलब छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, भाई इनको क्या त्यागोगे आप, काल द्रव्य का क्या त्याग करोगे, धर्म अधर्म द्रव्य को क्या त्याग करोगे। तो धर्म अधर्म द्रव्य को हे कहा जा रहा है, तो इसको छोड़ना है, छोड़ना क्या है, पकड़ा कब था हमने से छोड़ना है, ये तो सब अपने अपने द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और हमारा जीव द्रव्य उन सब द्रव्यों के आधार पर परिणमन भी कर रहा है ना। तो जहाँ हमारे जीवात्मा के प्रदेश हैं वहीं धर्म के प्रदेश स्थित हैं, वहीं अधर्म द्रव्य के हैं, वहीं काल द्रव्य के हैं, तो त्याग क्या करना, उनको कोई आपने पकड़ रखा है क्या, कि उनने आपको पकड़ रखा है, कि आपने उनको पकड़ रखा है। तो हे कहने की जरूरत ही क्या है, तो हे का मतलब ये अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। जो अपने स्वरूप में हो, जो अपने स्वरूप को ही निकटता से ग्रहण करते हो, उसे कहते हैं उपादेय, और जो अपने स्वरूप नहीं है उन्हें कहते हैं हे। हाँ, तो हे का मतलब ये नहीं होता जो छोड़ा जाए, त्याग किया जाए, उसे हे कहते हैं। ये तो कोई बहुत ही बचकनी जैसी परिभाषा है, बचकनी मतलब है, हाँ, बच्चों जैसी बातें हैं ये, हे माने त्यागने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, हाँ, सीखते तो सब यही हैं, तुमने भी सीखा है, हमने भी सीखा ही है लेकिन सीखते सीखते कुछ नया भी सीख लेते हैं इन्हीं ग्रंथों पर दिमाग लगाने से क्या चीज, क्या जी, क्यों अभी यही निर्णय नहीं है क्या तो जीव द्रव्य के लिए उपादेय क्या है, तो जीव द्रव्य के अपने अस्तित्व से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वही उसके जो अपने गुण हैं, अपनी शुद्ध पर्याय हैं, उन्हीं को वो निकटता से ग्रहण करता है, और वही निकटता से ग्रहण करने योग्य हैं। तो जो निकटता से जिनको जीव ग्रहण किए हुए है, जो कभी छोड़ेगा नहीं, है ना, वो जो है उसका उपादेय तत्व है। बाकी जो भी हैं वो उसकी निकटता में है ही नहीं, तो उनसे अपने आप को अपने ज्ञान में
भिन्न देखना भी हेपना है ना। माने इन द्रव्यों को अपने स्वरूप से भिन्न देखना, ये मेरे जीव का स्वरूप नहीं है। काल द्रव्य मेरे जीव का स्वरूप नहीं, धर्म अधर्म द्रव्य मेरा जीव का स्वरूप नहीं, बस यही उसका हे बना है। तो इसका कोई त्याग नहीं किया जाता है। जो हे का मतलब ये सिखाया जाता है कि हे माने त्याग करने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो उपादेय को ग्रहण भी नहीं किया जाता और हे को छोड़ा भी नहीं जाता, है ना। उपादेय माने उप, निकटता से आदेय, है ना, जो अपने लिए प्राप्त होने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है निकटता से, वो हमारा उपादेय। तो वो हमारा अपना ही गुण है, अपनी ही शुद्ध पर्याय है, वही उपादेय है। इसलिए न केवल ये पुद्गल आदि द्रव्य हे हैं, बल्कि अन्य जीव द्रव्य भी उस जीव के लिए हे हैं। क्या सुना? केवल काल द्रव्य भी है ही नहीं है, हर जीव द्रव्य के लिए उसी जीव के प्रदेशों पर स्थित अन्य भी जीव हैं, वो भी सब उसके लिए हे हो गए। तो हे का मतलब क्या हो गया? बस जीव का अपना जो स्वरूप है, बस वही उसके लिए उपादेय है, बाकी सब उसके लिए हे है। तो उसको हे कहने का मतलब वो उसके स्वरूप में नहीं है, है ना। उन्हें वह अपने आत्मसात करके उपादेय की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसके स्वरूप से भिन्न है। ये हे का मतलब होता है, ना कि हे माने त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, है ना। तो अन्य जीव द्रव्य को क्या त्यागोगे, क्या छोड़ोगे, है ना। तो वो बस इतना ही अनुभव करना कि कोई भी जीव है वो मेरे अस्तित्व में नहीं है, मेरा ही अपना अस्तित्व बस मेरा जीव द्रव्य है, और उसमें अनंत और जो दुनिया में जीव द्रव्य हैं उनका अस्तित्व मेरे अस्तित्व से अलग है, इसलिए हे है। तो हे का मतलब यही हो जाता है, बस अपने ज्ञान में भिन्न देखना, बाकी छोड़ना क्या है। पकड़ किसने रखा है तुमको और पकड़ किसको सकोगे, है? तो धर्म द्रव्य हो चाहे अधर्म द्रव्य हो, ना इनने तुमको पकड़ रखा है ना तुम इनको पकड़ सकते हो, फिर हे की बात ही क्यों। पुद्गल द्रव्य भी ना तुमने पकड़ रखा है ना तुम पकड़ सकते हो, ना अन्य जीव द्रव्य को अपने में पकड़ के रख सकते हो। सबका अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना परिणमन। तो एक जीव के लिए जैसे अन्य पांचों द्रव्य हे हैं, वैसे ही उसके लिए अपने अलावा अन्य सभी पर जीव भी हे हैं, है ना। ये उपादेय और हे के माध्यम से ये जानना चाहिए। माने अपने जीव द्रव्य से भिन्न अस्तित्व मानना ही हेपना कहलाता है। अब सब उपादेय होते हुए भी अपने से भिन्न है, इसी रूप में बस उसको हे कहेंगे, है ना। अब अनंत सिद्ध भगवान भी हैं तो भी वो हमारे अस्तित्व में नहीं है ना, हमारे जीव अस्तित्व से तो भिन्न ही है। तो वास्तविकता तो यही है, फिर भी व्यवहार में उन्हें किसी भी रूप से मानना, भक्ति करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने अस्तित्व से सबका अस्तित्व भिन्न है, चाहे शुद्ध जीव द्रव्य हो चाहे अशुद्ध जीव द्रव्य हो, है ना, चाहे देव हो चाहे गुरु हो, सबका अस्तित्व हर जीव के अस्तित्व से भिन्न है, वो सब उनके लिए हे हैं। इस दृष्टि से देखो तो हे का मतलब जो सोच रखा है वो नहीं है, त्यागना नहीं है, हाँ, बस अपने अस्तित्व से उनका अस्तित्व कभी भी एक में एक नहीं होगा, इसको जानना ही हे है, बस इतना ही और क्या है। तो हे का मतलब हेट करना नहीं है, हे 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 करना नहीं, हे हे दूरट दूरट जब कोई छूने लग जाता है ना
शुद्ध है, कोई शुद्धि में है, वही शुद्धि में है, अशुद्धि में है, ये दूर हट दूर हट, तो ऐसा है नहीं है ये। ना हेट करने का नाम ये है, ना अपने से किसी को बचाने का भगाने का नाम ये है। बस जो अपना है वो उपादेय है, जो अपना नहीं है वो ये है। बस इतना सा जानो, यही है और उपादेय की सही व्याख्या है। बाकी तो बचपन की बातें हैं, बचपन में आने वाले हैं तो कुछ नया तो होना ही चाहिए। सृजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।